कैसे हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। वीडियो बनाने बहुत लेट शुरू की है मैंने, 6 बज चुके हैं ऑलरेडी, और आज दिन की शुरुआत की थी मैंने आलतू फालतू कुछ करने से। एंड उसके बाद आज फ्राइडे है तो हिम्मत जल्दी घर आ गया था, एंड हिम्मत का हेयर कट करवाने के लिए गई थी मैं। और जब मैं हेयर कट करवा के घर पे आई और डैडी हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमने इनफ बाल नहीं कटवाए उसके, पर जब बहुत ज़्यादा बाल कटवा रहे मुझे बहुत मज़ा नहीं आता। मुझे अच्छा लगता है कि एक साइड पे मज़ेदार लंबे हो एंड साइड पे छोटे हो, पर यहाँ बहुत अच्छे नहीं काटे मुझे लग रहा आज उसने। सो, वापस आते हैं आज के दिन पे। आज पैटीज बना रही हूँ मैं आलू वाली, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश आई, हस्बैंड के कुछ दोस्त आ रहे हैं एंड हस्बैंड ने कहा कि पैटीज बनाते हैं, तुम बहुत अच्छी बनाती हो। अपनी तारीफ का भी मैं कोई चांस नहीं छोड़ती, तो मैंने पैटीज बना ली हैं एंड मैंने बनाई है इनफ कि सारे का पेट भर जाए। और हमारे यहाँ पे ना नेबर्स में एक बहुत अच्छी पंजाबी फैमिली रहती है, हस्बैंड वाइफ एंड उनका बच्चा। वो हस्बैंड वाइफ बड़ी उम्र के हैं, लाइक उनका जो बच्चा है उसकी शादी की उम्र है। अभी वो बाहर से निकल रहे थे और मैंने एक बैच निकाला और मुझे लगा कि जल्दी जल्दी उनको दे दूँ, वो भी ट्राई करें, क्योंकि ना ये इंडिया जैसी बनती है, जैसे इंडिया मिलती थी ना पैटीज़ आलू वाली मज़ेदार। सो मैं उनको दे के आई हूँ, आई होप उनको अच्छी लगेगी। चाय का समय है, हस्बैंड ने कहा कि अंकल जल्दी घर जाओ, चाय के साथ पी के बताना कि कैसी है। और मुझे भी काफ़ी भूख लग रही है। पहले मैं सोच रही थी कि हस्बैंड के दोस्तों का इंतज़ार करते हैं, सारे इकट्ठे पियेंगे, पर अब मैं एक पैटी खा लूँगी, इतनी वेट नहीं कर सकती हूँ। वैसे वो आने वाले थे अराउंड 5:30, पर 6:30 हो रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गए। सो यस, ये अपडेट चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। सो नेक्स्ट बैच को भी रख ही देते हैं। सो लेट्स पुट दीज ब्यूटिफुल पैटीज इन हाफ। ओके, सो वी आर डन। शायद मैं टी नहीं बनाऊँगी, शायद मैं बनाऊँगी इंडियन स्टाइल कॉफ़ी जो बनाती हूँ ना मैं, वो ईजी एंड क्विक है। सो यस, दैट्स ज्ञान अबाउट मी। चल मैं कुक करती हूँ ना, यहाँ पे तौलिया होता है और मैं काम करती हूँ तो मुझे याद लगता है यार मैदा। इंडिया में एवरी अदर हाउस हेल्प वाले गाय का नाम रामू ही क्यों होता है? ओल्डन डेज में कैसे होता ना, रामू काका, रामू काका। आई विश यहाँ पे कोई रामू काका हो और मैं कहूँ रामू काका मेरे लिए एक कप चाय बना दो। आपको लगता है मैं ऐसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। इतना प्यारा बंदा हूँ ना मैं कि मैं अपनी हाउस हेल्प को भी ऐसे बोल नहीं पाती। एक किस्सा सुनाती हूँ आपको मैं आपको। जब हम इंडिया गए थे 2016 में, तो हमारे घर में एक हेल्प थी, गर्ल थी वो, 20 ईयर्स की होगी, एंड वो सारा घर का काम करती थी, हमारे घर में ही रहती थी। और उससे मैं बोल नहीं पाती थी कि है पानी का गिलास मेरे लिए चाय बना दो या कुछ भी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे जैसी है, कैसे मैं उससे कुछ मांगूं। एंड एक दिन वो मेरे पास आई और बहुत उदास थी और रो रही थी, कह रही कि आप मुझे पसंद नहीं करते। मैं कहा कि नहीं, ऐसा क्यों लग रहा था? मैं कह रही कि तो आप मुझसे कुछ, आप मुझे पसंद नहीं करते या फिर आपको मैं अच्छी नहीं लगती, तो मेरे हाथ से आप कुछ खाते क्यों नहीं है? मैंने कहा कि दिस इज़ एक्चुअली वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं तुम्हें कहूँ, कभी प्लीज़ कहा करो आप, बट चिंता की ज़रूरत नहीं है, रामू काका यहाँ पे आ चुके हैं। रामू काका, रामू काका, वो तो पेरेंट्स ने नहीं ना पूछा, उन्होंने एलर्जी है, उन्होंने की करना। सो गाइस, रामू काका से चिंता की जरूरत नहीं है, रामू काका कनेडा तक पहुंच चुका है। रामू काका एक कप चाय बना दो, बना दो। इधर ना, मालिक से थोड़ा दूर रही रहा हूं ना, पहले आंखों में आंखें डाल के कहो ना। मालिक से ना इतनी दूरी बना के रखती थी, ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है रामू काका। मैं आपके लक में हाथ रखता हूँ, फिर बोलो। मेरे पति ने छटना नहीं है तेन, मेरे पति ने बना रामू काका यू क्लोज टू मी। रामू काका यू क्लोज टू मी काका, काफी काका रामू, ओ रामू काका कौन?
अपने रिव्यूज दर्ज कर दो। तो छेती छेती खा सकते हैं फिर इच्छू ही खा लो। फूक मार के खुदी सही है ना अंकल ने ना वाह हजे कमाल की चीज़ है। और एक दोस्तों वापस आ चुकी हूँ मैं। समय हुआ है 7:45। लास्ट टाइम मैं आपको 6:15 पे मिली थी ना, सॉरी एक्सक्यूज मी। ओके सो मैं आई हूँ काफ़ी देर के बाद। हस्बैंड के फ्रेंड्स आ गए थे, उनको मैंने पैटीज़ खिलाई और इंडियन स्टाइल कॉफ़ी बना के पिलाई। उनको कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी और उनको पैटीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी। उनमें से एक फ्रेंड इंडिया से अभी अभी आए थे और उनको भी अच्छी लगी वैसे पैटी। वो कह रहे कि आजकल वो दिल्ली से आए थे और कह रहे कि दिल्ली में भी इतनी डिलीशियस नहीं मिलती है। और बाकी जो यहाँ पर रहते हैं एक उनमें से एक यूएस से आए थे, उनको तो वाकई अच्छी लगी क्योंकि हम लोग इंडिया के फूड को इतने सालों से हमने नहीं खाया तो हमें तो मज़ा ही आता है। बट जो इंडिया से आए थे उनको भी मज़ा आया। सो पैटीज़ खा ली हम लोगों ने एंड अभी मैं वो गए हैं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। एंड मेरी नेबर मेरी दोस्त आई, वो है मुंबई से और उन्होंने मुंबई के स्टाइल की पानी पूरी बना के दी है मुझे। और ये कोई मसाला बनाया है आई डोंट नो क्या, और ये भी एक कुछ बनाया है उन्होंने। ये वो मटर के साथ बनाते हैं और इसको ओके दोस्तों मैं आपको कुछ बता रही थी और मेरी अब बैटरी डेड होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने दूसरी लगाई वो भी बंद होगी, तीजी भी बंद होगी, तीन बंद होगी। सो तीन बैटरियाँ लेके रखी हैं मैंने, तीन नहीं एक्चुअली चार है मेरे पास, अब चौथी इसके अंदर है। वो इसलिए मैंने ली है ताकि मेरी गल ना कट होए, क्योंकि जब मैं बातें करती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं नहीं चाहती कि बीच में ब्रेक आए। पर नहीं, जब कई बार क्या होता है कि जब आप कुछ बोलना चाहते हैं आप अच्छा फील कर रहे हैं तो नई वीडियो बनेगी। सो ऐसा ही हुआ। ओके सो बता रही थी मैं कि मेरी दोस्त है जो मुंबई से, वो लेके आई है ये कुछ, ये वो मटर का बनाते हैं शी सेड और इसको वो बोलते हैं रगड़ा। और वो कहते हैं कि जो हम पानी पूरी खा रहे हैं रगड़े वाली पानी पूरी खाते हैं, जो कि हम पंजाबी लोग नहीं खाते हैं, दिल्ली वालों का मुझे पता नहीं है, पर हमारे दिल्ली हमारे पंजाब में सिंपल काले चने एंड आलू का कच्चा मिक्सचर होता है, ऐसे कुक नहीं हुआ होता और उसमें सिर्फ होता है चाट मसाला एंड सो ये डिफरेंट है कुछ। एंड उन्होंने ये सारा कुछ घर पे बनाया, गोलगप्पे पता नहीं बनाया या नहीं, बट ये दोनों चीज़ें। एंड उसने बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का पानी भी बनाया है, मैंने एक दो खा के देख लिए, बहुत डिलीशियस है। एंड मैंने अपनी दोस्त को रिव्यू भी बता दिया कि बहुत मज़ेदार है। और मेरे हस्बैंड भी गोलगप्पे के काफ़ी फ़ैन हैं, तो इसको मैंने ये जिप लॉक में बंद कर दिया है। वैसे मेरी दोस्त ने ऐसे दिया था, मैंने इसलिए बंद कर दिया कि क्रिस्पीनेस ख़त्म नहीं हो जाए और पति भी बेचारे टेस्ट कर ले। सो पति चले गए अपने दोस्तों के साथ थोड़ा साइट सीइंग करने के लिए, क्योंकि हमारे काफ़ी नज़दीक व्हाट द हेक। ओके एक और इम्पॉर्टेंट बात, मेरी जो साथ वाली नेबर है वो एक्चुअली शायद अपने काम की वजह से टोरंटो गए हैं। उनका सिर्फ हस्बैंड एंड डॉटर है और उनकी डॉटर बाहर पानी के साथ प्ले करी और समय टेम्परेचर काफ़ी नीचे है एंड ठंड है और पहाड़ का पानी जो होता है बहुत एक्सट्रीमली ठंडा होता है। उसको बोल के आए कि ना कर बीमार हो जाएंगी। सो दैट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट नेबर्स। और क्या बता रही थी मैं, ओके सो जब मेरी दोस्त गोलगप्पे देने के लिए मुझे आई ना पानी पूरी तो मेरे पास पैटीज़ बनी है फ्रेश, मैंने उसको कहा कि ये ट्राई करना चाहोगे तो तुम्हारी खाली प्लेट क्यों वापस करूँ मैं। तो वो उसने कहा कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, हम मुंबई में बहुत खाया करते थे और बहुत समय हो गया मैंने खाया नहीं है। मैंने कहा कि प्लीज़ लेके जाओ और मुझे खा के बताना। अब वो रिव्यू देगी तो उसे कैसा लगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी। वैसे अच्छा लगेंगे मुझे लग रहा है, थोड़ा स्पाइसी मज़ेदार बनाया मैंने। व्हाट हैपेंड स्वीटी सीरियसली। ओके सो हिम्मत का समय हो गया है रोटी पानी खाने का, तो हिम्मत के लिए मैंने बनाया है चिकन फिंगर्स। हिम्मत और चिकन फिंगर्स आ रेडी, एयर फ्रायर में बनाया है मैंने। सो एयर फ्रायर ना बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि कुछ भी तेल नहीं लगता ना। सो हिम्मत को दे देते हैं, हिम्मत कम ही। ऑलराइट दोस्तों मैं और हिम्मत अपस्टेयर आ चुके हैं, हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, शायद वो घर आ जाएंगे डिनर पिकअप करके एंड वो सारे लोग यहीं पे बैठ के डिनर करेंगे। पर हम दोनों सोने वाले हैं क्योंकि हम दोनों थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। और सोने से पहले ज़्यादातर मैं नहाती हूँ क्योंकि फिर मुझे ना अच्छी नींद आती है जब मैं गर्म गर्म पानी के साथ नहाती हूँ। सो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, स्किन केयर करने के लिए और सब कुछ करने के लिए। अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो आपने ये मेरी नई रजाई देखी थी, इस रजाई का रिव्यू देती हूँ मैं, बहुत ही मज़ेदार है। जितनी ये हैवी ऐसे ही है बिना कवर के, मेरी जो अदर रजाई थी मेरे पास
वो कवर के बाद इतनी हैवी होती थी और इसका साइज़ इतना अच्छा है कि मुझे हस्बैंड से रजाई खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर सम रीज़न हस्बैंड ना रजाई को ऐसे दबा के सोते हैं कि मेरे ऊपर से रजाई उठ जाती है, जब उठ जाती है मेरी नींद खुल जाती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। सो अब ऐसा नहीं हुआ, आई थिंक 2 दिन हो चुके हैं हमें इसको यूज़ करते या 1 दिन हुआ है, पर बहुत मज़ेदार थी, आई रियली लाइक इट। नींद मुझे बहुत अच्छी नहीं आई बट रजाई से मैं बहुत खुश हूँ। अपडेट अबाउट रजाई एंड रिव्यू अबाउट रजाई। सो यस, आज इसी तरह हमारा दिन होता है फिनिश। आई होप आपने इंजॉय किया होगा, अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट बार में बताएं कुछ भी अपने बारे में। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू आर द ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। इजी पीजी लव इज क्विजी। मैं ना चलिए वॉशरूम जाएं।